नमस्कार तो बहुत स्वागत है आपका मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश में सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है 24 सीटों पर होने वाले के लिए बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही हैं चुनावी पिच पर बयानों के बाउंसर फेंके जा रहे हैं तो हमलों और आरोपों की धुआंधार बारिश भी हो रही है बंसल न्यूज ने भी पूरी तैयारी की है अपने दर्शकों को हर चुनावी अपडेट देने की जिससे आपको घर बैठे मिले हर चुनावी खबर ऐसी ही खबरों को हम आपके लिए समेट कर लाए हैं अपनी इस खास पेशकश चौबीस का चक्रव्यू में तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे ग्वालियर चंबल अंचल की जहां उपचुनाव से पहले एक बार फिर बीजेपी की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के जन्मदिन के मौके पर लगे होर्डिंग्स और बैनर में पूर्वी केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह नहीं दी गई इसको कांग्रेस ने सिंधिया के सम्मान से जोड़कर बीजेपी पर निशाना साधा कभी कांग्रेस के पोस्टर बॉय रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया का बार बार बीजेपी के पोस्टर से गायब होना कई सवाल खड़े करता है इंदौर के बाद अब ग्वालियर में लगे होर्डिंग्स और बैनर में सिंधिया का ना होना बीजेपी की अंदरूनी खींचतान और गुटबाजी को उजागर करता है 12 जून को ग्वालियर चंबल के कद्दावर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का जन्मदिन है उनके समर्थकों ने अपने नेता का जन्मदिन धूमधाम से मनाने की तैयारी की है इस कड़ी में पूरे शहर को बैनर पोस्टर और होर्डिंग से पाट दिया गया है जन्मदिन के बहाने समर्थक तोमर की ताकत का एहसास कराना चाहते हैं ऐसे में सवाल यह है कि क्या इसी के चलते पोस्टर से सिंधिया को गायब कर दिया गया है पोस्टर सिंधिया महल के गेट पर बनी माधवराव सिंधिया की प्रतिमा के सामने भी लगाए गए हैं जिनमें नरेंद्र सिंह तोमर के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई वरिष्ठ बीजेपी नेता नजर आ रहे हैं सिंधिया के पोस्टर बैनर से गायब होने के सवाल पर तोमर समर्थकों का कहना है कि ऐसा गलती से हुआ है सिंधिया के बीजेपी में आने का विरोध ग्वालियर में भी हुआ था कहीं ये उस विरोध का नतीजा तो नहीं है कुछ भी हो इसने बीजेपी में गुटबाजी को एक बार फिर से हवा जरूर दे दी है सिंधिया वाई नेता जो सिंधिया के आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी इस अंचल में बहुत मजबूत हो गई है पोस्टर कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं तो कुछ कार्यकर्ताओं ने एक आध जगह नहीं भी लगाए होंगे क्या होता है कि अभी जचने रमने में थोड़ा समय लग जाता है लेकिन ये सभी कोई प्लान तरीके से नहीं लगे जिसकी मर्जी आई उसने पोस्टर लगा दिया बैनर लगा दिया तो इसमें कोई योजना से किसी को हटाया नहीं गया ना योजना से लगाया गया भूल बस रह गया होगा बाकी कोई ऐसा इंटेंशन किसी का है ही नहीं कांग्रेस को जैसे ही मामले की जानकारी लगी उसने इसे अपमान और सम्मान के साथ जोड़ दिया कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी में दूसरे दलों से आए नेताओं का सम्मान नहीं होता कांग्रेस का ये भी कहना है कि सिंधिया को बीजेपी में स्वीकार नहीं किया जा रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है हम वर्षों से ये देख रहे हैं कि जब जब भारतीय जनता पार्टी बाहर से किसी नेता को आयतित करती है तो उस समय बड़े बड़े वायदे पार्टी के द्वारा किए जाते हैं पार्टी के नेताओं के द्वारा किए जाते हैं और जब उनका मतलब निकल जाता है उनकी स्वार्थ सिद्धि हो जाती है उसके बाद दूध में से मक्खी निकाल के जैसे फेंक दिया जाता है उपयोग करके वैसा भारतीय जनता पार्टी करती है। बीजेपी में बार बार विज्ञापनों और होर्डिंग्स में सिंधिया को जानबूझ कर दरकिनार किया जा रहा है जब मामला तूल पकड़ता है तो बीजेपी नेता माफी मांग कर पल्ला झाड़ लेते हैं जानकारों का कहना है कि अगर ऐसे ही सिंधिया को नजरअंदाज किया जाएगा तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है क्योंकि सिंधिया ग्वालियर चंबल क्षेत्र के ही नहीं देश के बड़े नेता हैं और इस अंचल की जिन 16 सीटों पर उपचुनाव हैं वहां भी सिंधिया की फैन फॉलोइंग नरेंद्र सिंह तोमर और बाकी बीजेपी नेताओं से कम नहीं 24 के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए बीजेपी को गुटबाजी पर लगाम लगानी ही होगी प्रहलाद सेन बंसल न्यूज ग्वालियर मध्यप्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जनता से पूछकर उम्मीदवारों का चयन करने वाली है कांग्रेस ऐसा क्यों करेगी रिपोर्ट देखिए कांग्रेस को है टिकाऊ उम्मीदवार की तलाश ये कांग्रेस का विज्ञापन नहीं है बल्कि संगठन ने विधानसभा सीटों के प्रभारियों को यह टास्क दिया है कि वो क्षेत्र के कार्यकर्ता और जनता से पूछकर उम्मीदवार का चयन करें एक एक बूथ पर कार्यकर्ताओं से पब्लिक से पूछा जा रहा है कि किसको हम हमारा प्रत्याशी बनाएं जो आने वाले समय में जिस पर आप भरोसा करें जो बिके नहीं जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ है तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ रहे या बीजेपी की आइडियोलॉजी के साथ जाए तो उसके साथ जाए कम से कम आइडियोलॉजी की इज्जत तो करें ऐसे व्यक्ति को कैसे चुने इसको लेकर हम बूथ वाइज लोगों से पूछकर इस बार कैंडिडेट देंगे तो क्या जनता का भी फीडबैक लिया जाएगा कोई प्रत्याशी हंड्रेड परसेंट अच्छा प्रत्याशी जिताऊ प्रत्याशी टिकाऊ प्रत्याशी समर्पित प्रत्याशी अगर आपको बनाना है तो कार्यकर्ताओं से और जनता से दोनों से राय लेनी चाहिए लेंगे तो जनता से फीडबैक के अलावा पीसीसी चीफ कमलनाथ निजी एजेंसियों के जरिए भी सभी सीटों पर सर्वे करवा रहे हैं तीन अलग अलग एजेंसियां सर्वे के काम में जुटी हैं, जिसमें विधानसभा वार जातीय समीकरण स्थानीय मुद्दे और जीतने वाले उम्मीदवार के नाम तलाशे जा रहे हैं। एजेंसियों से मिलने वाली रिपोर्ट के आधार पर पार्टी 24 सीटों के लिए स्थानीय घोषणा पत्र और जिताऊ उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगाएगी 2018 में कांग्रेस ने सभी सीटों पर जिताऊ चेहरों को मैदान में उतारा था लेकिन पंद्रह महीने सरकार चलाने के बाद 22 जिताऊ चेहरे पार्टी छोड़कर और सरकार गिराकर अब बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं कांग्रेस ने इसे धोखा माना है भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा से सुशासन और जिसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट काम करने का काम हमेशा से किया और एक अच्छा शासन देने का काम पंद्रह वर्षों के अंदर मध्य प्रदेश की जनता जानती है बहरहाल आरोप प्रत्यारोप के दौर की इस राजनीति में कांग्रेस वो चेहरे तलाश रही है जो जीतने का रखते मगर कांग्रेस के पास ऐसे चेहरों की कमी है इसमें कोई शक नहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के कोरोना पॉजिटिव आने की खबर ने प्रदेश के नेताओं की नींद उड़ा दी है जल्द होने जा रहे उपचुनाव के बीच सिंधिया से जुड़ी इस खबर ने नेताओं की सुरक्षा को लेकर चिंता भी बढ़ा दी है अब इतना तो तय है कि उपचुनाव में सियासत और सियासतदानों का काम करने का अंदाज जरूर बदलेगा। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के बीच उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ रही है चढ़ते राजनीतिक पारे के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर के बाद प्रदेश में नेताओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है चुनावी माहौल में अगर नेता कोरोना पॉजिटिव हुए तो चुनावी कैंपेन प्रभावित होगा उनके संपर्क में आए कार्यकर्ताओं को भी क्वारंटाइन के लिए नियम फॉलो करने होंगे ऐसे में सवाल ये है कि नेता खुद को कैसे इस महामारी से बचा कर रखें पिछले कुछ वक्त से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं इसके लिए पार्टियां और नेता ही जिम्मेदार हैं मंगलवार को भी बीजेपी ऑफिस में ऐसी तस्वीरें सामने आई बीजेपी ऑफिस में अशोकनगर के पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी अपने समर्थकों को बीजेपी की सदस्यता दिलाने पहुंचे, जहां सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज किया गया कई कार्यकर्ता तो चेहरे पर मास्क भी नहीं लगाए थे इतना तो तय है कि अब नेताओं के काम करने का अंदाज बदलेगा जिसको कांग्रेस और बीजेपी दोनों स्वीकार भी कर रहे हैं हम तो जनता के बीच में जाना चाहते हैं जनता के बीच में अपनी बात को ले जा भी रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए तमाम तरह की जो प्रिकॉशंस है वो लेते हुए और जनता हमको जानती है जनता ने ही हमको चुना था जनता के सामने अपनी बात को रखेंगे और जनता दोबारा हमको चुनोगी कोरोना का असर तो जीवन के हर आयाम पे पड़ेगा ऐसा कोई आयाम नहीं है जिस पर इसका असर नहीं पड़ेगा सब पे पड़ेगा तो हमको हर अपनी जीवन की गतिविधि को उस दृष्टि से देखना चाहिए 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी की दशा और दिशा तय करने वाले साबित हो सकते हैं ऐसे में दोनों पार्टियां 24 सीटों के इस चक्रव्यूह को तोड़ना चाहती हैं कांग्रेस की मंशा जहां ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता के शिखर पर वापसी करने की है वहीं बीजेपी ज्यादा सीटें जीतकर बहुमत के जादुई आंकड़े तक पहुंचने की कोशिश करेगी कोरोना काल में सियासी जीत और हार के बीच नेताओं को अपनी सुरक्षा पर भी गंभीरता से ध्यान देना होगा चुनाव से पहले ही अगर वो इस महामारी की चपेट में आए तो उनकी जिंदगी के साथ ही उनका राजनीतिक भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है ब्यूरो रिपोर्ट बंसल न्यूज चौबीस सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में ईवीएम को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है कांग्रेस ने जहां बैलेट पेपर से मतदान कराने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को चिट्ठी लिखी वहीं बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस हमेशा ईवीएम का रोना रोती रहती है उपचुनाव से पहले ईवीएम पर सियासत कांग्रेस ने की बैलेट पेपर की हिमायत बीजेपी बोली सामने आया कांग्रेस का डर 24 के चक्रव्यूह में ईवीएम की एंट्री हो चुकी है जी हाँ 24 सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में ईवीएम का जिन एक बार फिर निकल आया है कांग्रेस ने बैलेट पेपर से वोटिंग कराने के लिए प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को चिट्ठी लिखी है पत्र में कांग्रेस ने ईवीएम के बटन से कोरोना संक्रमण होने का खतरा बताया है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती वीरा राणा जी को भेंट करके ज्ञापन सौंपे है जोरा और जोरागर दोनों स्थान छह महीने के रिक्स बढ़े हुए हैं जबकि नियमानसर छह माह में चुनाव होना चाहिए क्योंकि तो चुनाव की प्रक्रिया नहीं हुई है उसका हमने जानकारी मांगी उनसे क्या कारण है क्या स्थिति है बताया जाए तो चुनाव कराने की स्थिति में दोनों जगह पर एक बल्कि आगामी सभी चुनाव में अब ईवीएम की जगह मतप्त चुनाव कराए जाए क्योंकि कोरोना क्यों का डर है कोरोना का संक्रमण है इसलिए ई की जगह मतप्रद्ध चुनाव कराए जाए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग पर पलटवार करते हुए प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा ईवीएम का रोना रोती रहती है जबकि कांग्रेस की सरकार भी ईवीएम से ही बनी है उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जनता के बीच नहीं जाती डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस की हार सुनिश्चित है और ईवीएम से चुनाव की मांग उसी हार का डर है डर वाली बात नहीं है उनकी सरकार ईवीएम से ही बनी थी और वो हमेशा से ईवीएम का रोना रोते थे उस समय भी रोया था आप ध्यान परिणाम आने के पहले तक वो ईवीएम पे ही लगाते रहे थे परिणाम के बाद में खामोश हो जाते हैं ये अज्ञात आशंका ये उनके हार की आशंका ये उनका डर ये बात का द्योतक है कि उन्होंने अपने पंद्रह महीने में कुछ किया नहीं और मालूम है कि जनता के बीच जाए कैसे हालांकि वो जाते वैसे भी नहीं है हार सुनिश्चित है देश प्रदेश की चुनावी सियासत में लंबे वक्त से ईवीएम अहम किरदार के रूप में एंट्री लेती रही है ईवीएम को लेकर विपक्ष हमेशा हमलावर रहा है विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि ईवीएम के सहारे बीजेपी अपना खेल खेलती है एमपी में उपचुनाव से पहले ही एक बार फिर ईवीएम का जिन बाहर निकल आया है कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास अपनी बात पहुंचा दी है भले ही इस बार वजह कोरोना को बताया है अब देखना होगा कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कांग्रेस की मांग पर क्या संज्ञान लेते हैं ब्यूरो रिपोर्ट बंसल न्यूज़ वहीं ग्वालियर में विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रदेश की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है मंगलवार को खराब सड़कों को लेकर प्रदर्शन के बाद अब हॉकर जोन की दुकानें खुलवाने के लिए प्रदर्शन किया गया कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया और चेतावनी दी है कि जब तक दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं मिलेगी प्रदर्शन हम करते रहेंगे आपको बता दें कि पिंटू पार्क के हॉकर जोन में करीब चार से पाँच लोग दुकानें लगाते हैं जिन्हें लॉकडाउन से लेकर अब तक दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी गई है जैसे जैसे प्रदेश में उपचुनावों की सुखबुगाहट तेज हो रही है वैसे वैसे ग्वालियर चंबल अंचल में राजनीति अपने पूरे परिवहन चढ़ रही है आप देख सकते हैं यहाँ हम पिंटो पार्क इलाके में हैं। ये फल एवं सब्जी मंडी के जो विक्रेता हैं, वो उनके साथ कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है दरअसल लॉकडाउन के बाद से ही इस हॉकर जोन में यहाँ फल और सब्जी विक्रेता अपनी दुकानदारी करते थे वो उनकी दुकानें बंद हैं इसके चलते उनके सामने रोजी रोटी का संकट बन गया है हम बात करने की कोशिश करेंगे आखिर क्यों इस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं मैं पिंटो पार्क स्थित हॉकर जोन सब्जी मंडी में बैठा हुआ हूं जहां पर 400 ठेले लगते हैं और मैं कहूं तो 500 ठेले भी लगते हैं 500 लोगों के परिवार को वंचित कर रखा है सरकार ने उनकी रोजी रोटी से आप एक बात बताइए मुझे मैं पूछना चाहता हूं सरकार से जब रेस्टोरेंट आप खोल सकते हो आप दुकानें खोल सकते हो आप सारी उपलब्धियाँ जो कहते हैं अपन सब्जियों के लिए जो बाकी की जगह मंडियाँ खोल रही हैं वहाँ आप मंडियाँ खोल सकते हो तो ये पिंटो पार्क पे हॉकर जोन जो है जहाँ पर 400 से 500 परिवार बैठ के अपना रोजी रोटी के लिए यहाँ बैठ के लड़ाई लड़ रहा है हम उनको रोजी रोटी क्यों नहीं दे सकते हैं इनके घर में भी तो बच्चे हैं ये तीन महीने से परेशान है क्यों इन्हें नहीं खोलने दिया जा रहा है क्या कोई राजनीतिक कारण देखिए मैं राजनीति सिर्फ इतनी कहना चाहूंगा उनको ये लगता है कि ये लोग सिस्टम से नहीं चलते भैया सिस्टम समझाओगे तो सिस्टम से भी चलेंगे ये भी तो हमारे समाज के हिस्सा है जब इनको बराबर का हक जब उनको बराबर का हक दिया जा रहा है तो इनको भी बराबर का हक देना चाहिए ना सरकार को तो इनको क्यों वंचित किया जा रहा है बिल्कुल कुछ और यहाँ पे लोग हैं जो धरने पर हैं कितने दिन से आप लोग परेशान हैं क्या दिक्कतें आ रही हैं बाईस तारीख से बंद है जब से बिल्कुल बैठे हुए हैं घर पे बैठे हुए हम लोग सब लोग जब हम दुकान लगाते हैं तो पुलिस डंडे बजाती है दिनें लगने नहीं देती बाद बाकी पूरा शहर खुला हुआ है हम लिए साथ बहुत पर बैठे रहेंगे। के लिए बीजेपी में प्रवेश करने वाले 22 विधायकों को लेकर जयभांत सिंह पवैया ने एक बार फिर अपना पक्ष रखा बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम में जयभांत सिंह पवैया ने कहा कि पार्टी बदलना बड़ी घटना होती है इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन सभी बीजेपी में घुल मिलकर काम करेंगे दूसरा आपने ये 22 लोगों के बारे में कहा है तो देखिए थोड़ा समय तो लगता है आ, ये मेरा संगठन तो ऐसा संगठन है और मैं भारतीय जनता पार्टी तो क्या मैं संघ के कहूँ विचार परिवार के कहूँ अभी जय श्री कृष्णा जो धारावाहिक आ रहा है मैं देखता हूँ राधा जी को ये पता ही नहीं लगा कि खेल खेल में कब कृष्ण की और इसलिए कभी कभी तो ऐसा होता है कि उस सत्संग में उस संसर्ग में कब विचार और संस्कार आने वाले हमारे नए मित्रों के भीतर चले जाएंगे कि आजीवन वो भगवान की यात्राधारी बन जाएंगे तो थोड़ा समय तो शरद जी इसमें लगता है खोलने मिलने में विचार समझने में जी। आ, लेकिन मैं अभी मेरे एक मित्र आए थे जो भारतीय जनता पार्टी में नए नए आए हैं मैंने उनको ये कहा कि देखिए ये जो दल बदलने का काम है ये कोई बहुत बड़ी घटना होती है जीवन में जब आप विचार परिवर्तन के लिए पार्टी बदलते हैं जी। अभी फिलहाल के घटनाक्रम में कारण कुछ भी रहा हो लेकिन मैं एक आपको उदाहरण बोल रहा दे रहा हूँ उसको कोई दर्शक उसका अनर्थ न लगाएँ जब भिंड में मुरैना में और ग्वालियर में भी सवेरे बच्चे दौड़ते हैं फौज की भर्ती के लिए जी। तो जब कोई दौड़ने वाले बच्चे से पूछता है तो सौ में से निन्यानबे बच्चा कहता है कि भाई साहब फौज में नौकरी करने की इच्छा है अब वो नौजवान जब फौज में भर्ती के लिए जाता है तो उसका सामान्य सतही भाव होता है कारण होता है नौकरी परिवार के पालन पोषण के लिए अपने भविष्य के लिए लेकिन जैसे ही वो जवान फौज में भर्ती होता है और घुट्टी पीता है तो वो नौकरी नहीं करता वो देश के लिए जीना शुरू कर देता है भारतीय जनता पार्टी में लोग आए किसी कारण से लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में आ गए वो उस फौज में भर्ती हुए नौजवान की तरह देश के लिए जीना सीख जाएंगे मोदी जी ने एक बैठक में पूछा कार्यकर्ताओं को आप किसके लिए काम करते हैं किसी ने कहा आपके लिए किसी ने कहा नेता के लिए किसी ने कहा भाजपा के लिए मोदी जी ने कहा नहीं आप राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की भावनाएं हैं जो उसकी प्रतिपूर्ति के लिए बना हुआ ईश्वरीय उपकरण है और इसलिए ये बात हमारे मित्रों के जैसे ही समझ में आएगी काफ़ी ये भी आप जाएंगे बहुत... बस जाएंगे उन संस्कारों जी जी काफ़ी गहराई से आपने पवैया साहब ये बात भी की है आ, ये बताइए मुझे कि इन दिनों चर्चा अब कोरोना की तो है ही और कोरोना से हमें लड़ना ही है लेकिन लड़ना बीजेपी और कांग्रेस को और प्रदेश की जनता के माध्यम से उस 24 सीटों के उपचुनाव पर भी सबकी निगाह है जो मध्य प्रदेश की राजनीति के स्थायित्व का एक अध्याय बन सकता है बन सकता है इस मायने में कि वो किसी एक पार्टी को आ, के पक्ष में वहाँ जनादेश के रूप में चीज़ें उभर कर सामने आए कौन सी पार्टी होगी ये नतीजे बताएंगे लेकिन 16 सीटें आपके ग्वालियर चंबल रीजन की हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं और बदली हुई परिस्थितियाँ हैं वो लोग जो कांग्रेस में थे अब बीजेपी से लड़ेंगे उस परिवर्तन से कई बड़े नेता प्रभावित भी हैं आप स्वयं मुझसे प्रभावित हैं हालांकि आपकी बात मैं इस मायने में कुछ भिन्न मानता हूं कि आप न सिर्फ बीजेपी के संस्कार में पगे हुए एक राजनेता हैं बल्कि आध्यात्मिक संस्कारों से भी पूरी तरह से प्रतिपूरित हैं और यही वजह है कि आप जीवन को एक उस भाव में भी देखते हैं जो बहुत गहरा भाव होता है लेकिन हर कोई नहीं देख पाता शायद इसको किस तरह आप देखते हैं और अगर बीजेपी के पक्ष में आप पलड़ा भारी मानते हैं स्वाभाविक रूप से आप मानेंगे ही तो क्या कारण आप देखते हैं देखिए हम 24 सीटों पर प्रचंड विजय दर्ज करेंगे अधिकांश सीटों पर करेंगे जी। और उसकी वजह मैं आपको बताता हूं पहली वजह तो यह है कि ग्वालियर चंबल रीजन में कांग्रेस चुनावों के लिए उम्मीदवार उम्मीदवारों के लिए तरस रही है ये जमीनी सच है जी। वो दूसरी पार्टियों की खिड़की से झांक रही है दूसरी बात ये कि इनको जिला कार्यकारिणिया बनाने लायक नेताओं के चेहरे उपलब्ध नहीं हो रहे हैं कुछ जिलों में शरद जी और तीसरी बात ये कि स्टेट की वो लीडरशिप उसके पास नहीं है जिस पर भरोसा करके सवाल साल के कड़बे अनुभवों के बाद जनता फिर से वोट देने को तैयार हो जाए ये जो कांग्रेस का कुनबे का बिखराव है जिसका सारा दोष हमारे ऊपर डाल रहे हैं ये विधायकों के घटनाक्रम का भी डाल रहे हैं इनका आला कमान ही इतना कमज़ोर हो गया है नेतृत्व के बारे में इतना बड़ा संभ्रमशा बन गया है कि दिल्ली से ही ये हालात हैं और इसलिए जीत का एक बड़ा कारण होगा कि हमारे सामने का प्रतिद्वंदी वो दल बहुत दरिद्र अवस्था में ग्वालियर चंबल संभाग में है बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयभांत सिंह पवैया ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में प्रवेश के मुद्दे पर एक बार फिर कहा है कि उनके मन में कोई खटास नहीं है और वे सिंधिया परिवार की हमेशा से इज्जत करते रहे हैं और राजमाता सिंधिया के करीबी रहे हैं बंसल्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग में वो मिलकर लड़ेंगे और कांग्रेस को पांव जमाने का मौका भी नहीं देंगे और ये बहुत कम लोगों को पता है कि अयोध्या आंदोलन के समय कम से कम साठ धर्म सभाएं स्वर्गीय विजया राजे सिंधिया जी और जयभान सिंह पवैया की संयुक्त तो हुई हैं मैं उस पथ का पथिक रहा लेकिन इस कारण नहीं कि वो किसी घराने से आती हैं इस कारण कि जो हिंदुत्व के लिए समर्पित होता है जो विचारों के लिए समर्पित होता है उसके सामने मेरा मस्तक झुकता है मैं उनके चरण छूता था इसलिए किसी परिवार से घृणा का कोई सवाल नहीं है जो आए हैं उनका हमने स्वागत किया है और मन में मेरे कोई ग्रंथि नहीं है होगी तो मैं आपके चैनल पर भी बोल दूंगा ऐसी राजनीति में कहाँ करता हूँ कि मैं अपने वजन को छुपाए घूमता रहूँ मेरे मन में प्रफुल्लता है पूरी दम के साथ चौबीसों सीटों के लिए और ग्वालियर अंचल की सीटों के लिए कोई कसर हमारी ओर से नहीं रहेगी और हम पैर रखने का मौका कांग्रेस को नहीं देंगे हमारे खास कार्यक्रम में इतना नहीं आप देखते रहिए बंसल न्यूज़ नमस्कार